अब हमको जाना था लोकसभा, तो 20 में जबकि बिस्फी चुनाव हारने वाला पोजीशन नहीं था, लेकिन हार गए क्योंकि हमको पार्लियामेंट जाना था, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। देखिए हमारा बिस्फी क्षेत्र जो हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, दरअसल आप देख लेंगे कि हमारे आने से पहले क्या हालत थी बिस्फी के रोड की, जब हम आए तो किस तरीके से बिस्फी का एक एक रोड को हमने चमकाया। अगर ये मेरा क्षेत्र होता तो ऐसा रोड आपको नज़र नहीं। तो देखिए हम हारे, उस हारने के बाद ही हमारे लीडरान ये माइंड मेकअप कर चुके थे कि इनको राज्यसभा भेज। फिर कहीं ना कहीं जो उनका मुस्लिम को लेकर के एक बातचीत वो करते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय को लेकर के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब तो वो चूँकि पब्लिक के नुमाइंदा हैं, आवाम ने उनको चुना है, अब उनको जो बेहतर लग रहा है वो बोल रहे हैं, हम उसके क्योंकि अब आप राज्यसभा के मेंबर हैं। मधुबनी ज़िला एक बड़ा ज़िला होने के नाते अभी तक यहाँ पर कोई सेंट्रल पब्लिक स्कूल नहीं है, क्या आप इसके लिए कुछ? देखिए आज जमीन जिला प्रशासन फराहम करा दे तो आज केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा। यहाँ सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के आवास पर और वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। हाल ही में उन्हें राजद की तरफ से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था और अब वो डॉक्टर फैयाज अहमद से सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ी बहुत उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानते हैं। सर सबसे पहले तो आपको राज्यसभा जाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। चलो बाबू, सबको शुक्रिया, पूरी आवाम का शुक्रिया। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने हमको इस मुकाम पर भेजा, हम उनका शुक्रगुजार हैं। और साथ साथ अपने आदरणीय लालू जी और पार्टी के नेता तेजस्वी जी का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको भेजा, लेकिन इन होल अल्लाह की मेहरबानी से हो पाया। सर सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे जो दर्शक हैं वो, चूँकि आपका जो नाम है वो बहुत बाद में एक तरह से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुआ, अलग से चर्चा हुआ, उसके बाद अचानक पता चला कि रातों रात डॉक्टर फैयाज अहमद साहब सांसद बन गए हैं। तो चूँकि आप पहले विधानसभा में थे, बीसवीं विधानसभा से दो दफ़ा विधायक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सनल लाइफ जो है उसके बारे में लोग ये जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपने पॉलिटिकल लाइफ में एंट्री की थी और कैसे की? देखो बाबू, हम तो 2005 से पॉलिटिकल लाइफ हमारा शुरू हुआ। हम 2005 में जदयू से हम बीसवीं चुनाव लड़े, उसमें कामयाबी नहीं मिली, फिर हम पॉलिटिक्स में लगे रहे। फिर 2010 में हमको लालू जी ने बीसवीं से दिया, उस वो बहुत क्राइसिस का टाइम था आरजेडी के, फिर भी हमको 12,000 से बिस्फी की आवाम ने चुनाव में कामयाब बनाया। 10 में भी, 15 में तो 36,000 से बिस्फी की आवाम ने कामयाब बनाया। अब हमको जाना था लोकसभा, तो 20 में जबकि बिस्फी चुनाव हारने वाला पोजीशन नहीं था, लेकिन हार गए क्योंकि हमको पार्लियामेंट जाना था, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, हमको जरूर हारे तो तकलीफ़ हुई, लेकिन हम ये राज नहीं जान पा रहे थे कि हम कुछ सोच रहे हैं, ऊपर वाला कुछ सोच रहा है मेरे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी बंदे का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो देखिए हम हारे, उस हारने के बाद ही हमारे लीडरान ये माइंड मेकअप कर चुके थे कि इनको राज्यसभा भेज देना है। जो देखा अपने, दो दिन पहले 24 घंटा पहले वो लिख यानी मुहर लगा और तुरंत नॉमिनेशन हुआ, और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह की मेहरबानी से हम कामयाबी भी चुने भी गए विदाउट कंटेस्ट। सर जब आप विधानसभा में थे यहाँ बिस्फी में, तब सेकेंड टर्म रहा आपका, थर्ड टर्म में आप हरिभूषण जी से चुनाव हारे, उनका जो एक कह सकते हैं कि बयानबाजी रहता है वो अक्सर मुस्लिम विरोधी देखा जाता है, खास करके आपको लेकर के भी उन्होंने हाल ही में कुछ बयानबाजी किए थे, उन पर आपका क्या टिप्पणी? देखिए उस पर कमेंट करना हम समझते हैं कि बेहतर नहीं है, चूँकि हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि अल्लाह ताला को हमको कराना कुछ और था, तो इसलिए हम नाकामयाब हुए, ऐसा कोई नहीं है, हम वोट से कामयाब नहीं हारे नहीं हैं, हमको तकनीकी रूप में हराया गया, समझे, तकनीकी रूप में हम हारे हैं, हम वोट से नहीं हारे हैं। हम तो असेंबली में भी उस दिन बोले हैं कि तकनीकी हराया गया, और किन्हीं पर कोई कमेंट्स नहीं, आवाम ने उनको चुना है, उनको जो बेहतर लगता है वो बोलते हैं, वो करते हैं, उसमें कोई नहीं। हम 10 साल MLA रहे, हमको कभी भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया हमारे, अब वो उनका बेहतर अवाम का के नुमाइंदा हैं, जो उनको बेहतर लगता है वो बोलते हैं, हम उसमें उनको तो रोक नहीं सकते हैं।
निकला। देखिए सर, कहीं ना कहीं जो उनका मुस्लिम को लेकर के एक बातचीत वो करते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय को लेकर के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब तो वो चूंकि पब्लिक के नुमाइंदा है, आवाम ने उनको चुना है, अब उनको जो बेहतर लग रहा है वो बोल रहे हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं, हम ना उनको कुछ कह सकते हैं, उनको जो बेहतर लग रहा है, आवामी नुमाइंदा है, वो अपना बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं। अजय सर, जब आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे तब बहुत सारे जो राजद के कार्यकर्ता थे, ऐसा माना जा रहा था कि बहुत सारे अलग अलग उम्मीदवार थे जिनको उम्मीदवारी लोगों को लगता था कि वो उम्मीदवार हो सकते थे, खास करके शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है उनके बारे में बातचीत चली, लेकिन अचानक आप उभरे, ऐसे में क्या लगता है कि राजद पार्टी में कहीं कार्यकर्ताओं में टूट नज़र आ रही है? देखिए, राजद में कहीं कोई टूट नहीं, समझा नहीं। और आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी ने बहुत माकूल वक्त में माकूल फैसला उन्होंने लिया है, और कहीं कोई टूट की बात नहीं है, कहीं कोई इसकी बात नहीं है, और किन्हीं से कहीं कोई नुकसान पार्टी को या किन्हीं को नहीं है। सर, अब तो आप राज्यसभा के मेंबर हो चुके हैं, मधुबनी ज़िला के आप रहने वाले हैं, मधुबनी से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं, मुख्यतः वो कौन तीन चार ऐसा काम होगा जिसको लेकर के आप? हम 10 साल मिले रहे बिस्फी में, और हमारा हमेशा अवामी जुड़ाव रहा, हम अवाम से जुड़े रहे, हम बखूबी जानते हैं कि क्या हमने क्या किया और क्या बाकी रह गया, जो हमको बाकी है उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, उसको तकमील तक पहुँचाएँगे। अजय सर, आपका ये स्कूल है यहाँ पर आसपास में, यहीं पर कॉलेजेज हैं, सब आपसे बिलोंग करता है कहीं ना कहीं, यहाँ की जो सड़कें हैं और जहाँ यहाँ स्टेडियम है, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें फयाज़ साहब की गलती, हालांकि ये आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो नगर विधायक हैं वो राजद पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, ऐसे में आपके ऊपर लोग सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन कभी क्या आपने अपने तरीके से इस पर कुछ काम करने का काम? देखिए, हमारा बिस्फी क्षेत्र जो हमारा कार्य क्षेत्र रहा है 10 साल, आप देख लेंगे कि हमारे आने से पहले क्या हालत थी बिस्फी के रोड की, जब हम आए तो किस तरीके से बिस्फी का एक एक रोड को हमने चमकाया, अगर ये मेरा क्षेत्र होता तो ऐसा रोड आपको नज़र नहीं आता। फिर भी आपने कहा है कि आरजेडी के ही हैं वो भी एमएलए, तो फिर भी अब चूँकि अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने हमको भी ताकत इनायत फरमाया है, उसका करम है, उसका फजल है, हम कोशिश करेंगे कि ये रोड हमारे ही ज़रिए बन जाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इस रोड को बनवाने का काम करेंगे, अगर देरी होगी तो मैं अपने पॉकेट से इसको मोटरबुल कराएंगे हम, क्योंकि बहुत हमारे शहर में दो रोड बहुत इम्पोर्टेंट है जो इस हालत से गुजर रहा है, एक ये एक चकदम मंसूरी मोहल्ला है, वहाँ का भी रोड बहुत ख़राब है, नहीं तो वो तो नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये घर का रोड है, और हम कोशिश करेंगे कि अगर हुकूमत के या डिपार्टमेंट के ज़रिए नहीं हुआ तो मैं पॉकेट से भी इसको मोटरबुल हम कराएंगे। सर, एक आखिरी सवाल जो है वो ये है, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं, आपने एक मेडिकल कॉलेज कहा जा सकता है कि मधुबनी को खास करके आपने एजुकेशन का हब बना दिया, ऐसे में क्योंकि आप राज्यसभा के मेंबर हैं, मधुबनी ज़िला एक बड़ा ज़िला होने के नाते अभी तक यहाँ पर कोई सेंट्रल पब्लिक स्कूल नहीं है, क्या आप उसके लिए कुछ? देखिए, आज ज़मीन जिला प्रशासन फराहम करा दे तो आज केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा यहाँ, लेकिन ज़मीन की मुश्किल है, बराबर लिखा गया है, फिर हम जब हम एक्चुअली ओथ ले लेते हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर हम कंसर्न महकमे से पर दबाव डालेंगे कि आप जो है से जिला प्रशासन को बोलिए जो आपका रिक्वायरमेंट्स है ज़मीन का वो ज़मीन फराहम करे, अगर जिला प्रशासन के नज़र में नहीं है ज़मीन तो उनको हम नज़र में देने का काम करेंगे, कहाँ सरकार को ज़मीन मुफ्त अवेलेबल हो सकता है वहाँ खुल जाएगा, बहुत सारी जगह है, केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, सेंट्रल स्कूल एकदम होना चाहिए, चूँकि जो यहाँ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनका एकदम होना चाहिए, और इंशाल्लाह हम इस पर मुस्बित कदम हम बढ़ाएंगे। सर, कब तक ओथ लेने जा रहे हैं आप? ये तो अब पार्लियामेंट का बात है, पार्लियामेंट कब अब बुलाएगा, जब बुलाएगा हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको अपना वक्त देने के लिए। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।